हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर, जहां आज मैं बताऊंगा आपको पेशावर जालमी वर्सेज क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में होने वाला पीएसएल का पहला एलिमिनेटर जो कि लाहौर में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूज हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान लाहौर में खेला जाएगा यह पहला एलिमिनेटर। तो बहुत सारे जो फॉरेनर प्लेयर हैं वो अपना नाम वापस ले चुके हैं। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर बात करें, हम टीम न्यूज की बात करें, तो सबसे पहला जो ब्लो है क्वेटा के लिए वो उनका इन फॉर्म ऑलराउंडर शेन वाटसन, जो कि अपना नाम वापस ले चुके हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। उसके बाद जेसन रॉय, इंग्लैंड के जेसन रॉय ओपनर जो हैं, और केविन पीटरसन, वो अपना नाम वापस दोनों प्लेयर ले चुके हैं। और राइली रूसो जो कि अवेलेबल रहेंगे, वो लाहौर जा रहे हैं खेलने के लिए। और बेन लॉलिन जो कि फास्टर बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो भी वापस अपना नाम ले चुके हैं। और अगर बात करें उनकी जगह पे थिसारा परेरा आए हुए हैं जो कि श्रीलंका से, थिसारा परेरा खेलेंगे आज का मैच। वहीं महमदुल्लाह जॉनसन चार्ल्स और यॉर्कशायर का ओपनर टॉम कोहलर, ये जा रहे हैं लाहौर। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो कि लाहौर में आज मैच खेलेंगे। और स्पिनर क्रिस ग्रीन जो कि वो अवेलेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से शेन वाटसन, जेसन रॉय, केविन पीटरसन, ये लोग अपना नाम वापस ले चुके हैं। और अगर बात करें पेशावर जालमी की, तो उनके जो इन फॉर्म ऑलराउंडर थे ड्वेन स्मिथ जो कि ओपन करते थे, वो भी अपना नाम वापस ले चुके हैं। और तमीम इकबाल ने अब स्क्वाड ज्वाइन कर चुके हैं सीधे श्रीलंका से, जो निधास ट्रॉफी हो रही थी वहाँ से डायरेक्ट वो लाहौर पहुँचे हैं और वो आज का मैच खेलेंगे। तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं है पेशावर जालमी में, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स में बहुत सारे चेंजिंग हैं। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें, तो जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है वो नॉर्मली थोड़े पेसर्स को मदद करती है, लेकिन यहाँ पे 160 प्लस का स्कोर बनेगा। और स्पिनर भी अपना रोल अच्छे से निभाएंगे मिडिल ओवर में, उनको भी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम टीम बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी आपको अपडेट दूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसे टीम में चेंजिंग करके आप अच्छे पैसे जी सकें। तो फ्रेंड्स, आइए, मैंने टीम ऑलरेडी बना रखा है। फ्रेंड्स, बात करें कीपर में, तो कामरान अकमल और सरफराज अहमद दोनों अच्छे चॉइस हैं, लेकिन कामरान अकमल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इसलिए मैं कामरान अकमल के साथ जा रहा हूं। और सरफराज अहमद जो कि नीचे खेलते हैं, तो हो सकता है थोड़े बैटिंग कम चांस मिले, लेकिन कामरान अकमल जो कि ओपन करेंगे, तो मैंने कामरान अकमल को रखा है। तो आप इन दोनों प्लेयर में से किसी को भी रख सकते हैं। बैटिंग में बात करें फ्रेंड्स, तो ड्वेन स्मिथ को आप ना रखें, क्योंकि ये अपना नाम वापस ले चुके हैं। जेसन रॉय, ये भी लाहौर नहीं जा रहे हैं। सेम केविन पीटरसन भी अपना नाम वापस ले चुके हैं। और मोहम्मद हफीज़, ये अच्छे चॉइस हैं, इन्हें आप ज़रूर रखें अपने टीम में। तमीम इकबाल, ये ज्वाइन कर चुके हैं स्क्वाड को पेशावर जालमी की, तो आप इन्हें टीम में अपने रखें। जॉनसन चार्ल्स, ये अवेलेबल हैं, आप इनको रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा है। महमूदुल्लाह, ये खेलेंगे आज का मैच। और राइली रूसो, ये खेलेंगे, ये लाहौर जा रहे हैं, तो ये अच्छे चॉइस है। शब्बीर रहमान, ये अवेलेबल रहें, ये पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया, तो आज का मैच ये ना खेलेंगे। और तो ये है, आप टॉम कोहलर को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम चांस मिलने। अशर शफीक के साथ आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बेहतर चॉइस थे बैट्समैन में, मैंने बता दिया। रही बात ऑलराउंडर की बात करें, तो शेन वाटसन सबसे बड़ा जो ब्लो लगा है क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, यह नाम वापस ले चुके हैं। ड्वेन ब्रावो पहले ही चोटिल हो चुके हैं। थिसारा परेरा आज का मैच खेलेंगे, ये शेन वाटसन की जगह लेंगे। डेरेन समी, ये जा रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तान, तो इन्हें अपनी टीम में रखें। रही बात, मैंने लियाम डॉसन को रखा है, ये भी आज का मैच खेलेंगे। आप मोहम्मद नवाज को भी रख सकते हैं, ये एक अच्छी चॉइस है। तो ये फ्रेंड्स से तीन ऑलराउंडर। अगर बॉलर की बात करें, तो
हसन अली ये अपना रिदम वापस पा चुके हैं, राहत अली ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हर मैच में, वहाब रियाज के साथ आप जा सकते हैं, ये अच्छे फॉर्म में है पूरी, मैंने इन्हें नहीं रखा है लेकिन आप इन्हें ज़रूर रखें। अनवर अली ये एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, बॉलिंग तो करते हैं साथ में कुछ अच्छे हिट भी लगा सकते हैं। तो ये रही बात बेन लॉलिन को अपनी टीम में ना रखें क्योंकि ये आज का मैच नहीं खेलेंगे। क्रिस जॉर्डन ये भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, हसन खान के साथ आप जा सकते हैं, ये एक अच्छी च्वाइस है। उमैद आसिफ अब जा सकते हैं लेकिन ये पिछला मैच नहीं खेले थे तो हो सकता है आज का मैच भी ना खेलें। क्रिस ग्रीन ये अवेलेबल रहेंगे, क्रिस ग्रीन ये अवेलेबल हैं, हो सकता है इनको मौका मिल जाए लेकिन कम चांस है, तो आप इन बॉलरों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की टीम। आइए मैंने फ्रेंड्स कैप्टन तमीम इकबाल कैप्टन मैंने थिसारा परेरा को बनाया है क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी तक 8% लोगों ने इन्हें अपनी टीम में रखा है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये आज का मैच खेलेंगे। और वाइस कैप्टन मैंने तमीम इकबाल को रखा है जो कि सिर्फ तकरीबन 10% लोगों ने इन्हें अपनी टीम में रखा है। तो मैंने ऐसे अननोन प्लेयर को रखा है जिन्हें बहुत कम लोगों को पता है, अगर ये परफॉर्म कर गए तो आप बहुत ही अच्छे पैसे जीत सकते हैं। और देखिए महमूदुल्लाह को भी बहुत कम लोगों ने रखा है, 5% लोगों ने रखा है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे च्वाइस हैं। कमरान अकमल को आप कैप्टन बना सकते हैं, ये अच्छे फॉर्म में है। राइली रुसो भी अच्छे फॉर्म में है। मोहम्मद हफीज, डेरेन समी, लियाम डावसन और बॉलरों में से किसी एक को भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी टीम, कैप्टन थिसारा परेरा को मैंने बनाया जो कि ऑलराउंडर है और तमीम इकबाल को मैंने वाइस कैप्टन बनाया जो कि ओपनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू देखें तो कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, राइली रुसो, डेरेन सैमी, थिसारा परेरा, लियाम डावसन, अनवर अली, राहत अली और हसन अली। तो ये थी आज की टीम, उम्मीद है कि आपको टीम अच्छी लगी और न्यूज सारे मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं और उम्मीद है कि आप अच्छे पैसे जीतेंगे। फ्रेंड्स अगर आप तक अब तक अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शुक्रिया।